अस्सलाम वालेकुम। देखिए शाम हो चुकी है, अब हमारी डिनर की तैयारी चल रही है। आज देखते हैं डिनर में क्या बन रहा है। आज हम डिनर में बना रहे जा रहे हैं ग्रीन चिकन, जो खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है। ग्रीन चिकन के लिए सबसे पहले हम, ये हमारा 1.5 किलो चिकन है, हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, प्याज और दही। इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है और इससे हम बनाएंगे ग्रीन चिकन। ये इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें हमने प्याज छील कर डाली है, ये हमारी हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लहसुन है, इसमें हमने ऐड कर दिया है मिक्सी में। इसको हम पीसेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। और ये हमारा गरम मसाला है, बिना इसमें हमारी रेड चिली नहीं जाएगी बिल्कुल भी। हमें इसका ग्रीन चिकन बनाना है क्योंकि हमें इसमें हरी मिर्च और गरम मसाले का ही यूज़ करना है खाली। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी के ज़रिए। देखिए ये इसका पेस्ट बन चुका है। अब इसको हमने चिकन को, जो हमने वॉश किया था अच्छे तरीके से, इसमें हम एक बाउल में निकाल लेंगे सारा चिकन। हमें ये चिकन मैरिनेट करके रखना है। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया एकदम साफ। इसमें मैं, जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डालूंगी। हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर नहीं ही यूज़ किया हमने इसमें, गरम मसाला और ये हमारा दही है, दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना। इसमें सारा हमने जो पेस्ट बनाया था, सारा पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे हम इस तरीके से। अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रखना है ये चिकन को। ये देखिए सारा हमने दही इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम मसाले, नमक यूज़ करें, हम इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसमें हम, ये हमारा नमक है, 1.5 चम्मच नमक हमने इसमें लिया है। और ये हमारा पिसा हुआ धनिया है, 2 से 4 चम्मच बड़ी। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रखेंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है हमारा चिकन, ये बहुत ही जायकेदार लगता है। अफगानी चिकन अलग होता है, ये ग्रीन चिकन है। ये इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड की है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है चिकन में। ये देखिए अच्छे तरीके से मैरिनेट करके ये मैंने रख दिया, ढककर रख दूंगी इसे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए ढक के रखेंगे हम इसको। अब इसमें हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है सरसों का। अब ये हमें चिकन फ्राई करना है एक एक बोटी करके। ध्यान रखे बोटी इतनी फ्राई करनी है तो उस पे बोटियों पे कलर आ जाए, ब्राउन सा कलर आ जाए हल्का हल्का। एक एक बोटी निकाल के हमें फ्राई करनी है अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल चिकन है, वो सिंपल तरीके से बनता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है। ज़्यादा मसाले वगैरह भी यूज़ नहीं होते इसमें और ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं देता है। बहुत ही हेल्दी चिकन है ये, आप इस मरीज़ को भी खिला सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़ायकेदार लगता है। आप एक बार ट्राई करें इस चिकन को। इसके अंदर ये फ्राई करने के बाद मैं सारे चिकन निकाल लूँगी और उसी ऑयल में मैंने ये जो मेरा बाकी बचा पेस्ट बचा था चिकन का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मुझे इसे अच्छी तरीके से भूनना है। भूनने के बाद ये मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मुझे इसे लो फ्लेम पर पकाना है थोड़ी देर के लिए। इसमें थोड़ा सा आधी कटोरी पानी ऐड करूँगी मैं और फिर इसे पकाऊँगी अच्छी तरीके से। देखिए चिकन भुन चुका है हमारा, अब इसे हमें थोड़ी देर पकाना है। ये देखिए मैंने आधी कटोरी पानी ऐड कर दिया है इसमें। अब इसको हमें 5 से 10 मिनट पकाना है गाढ़ी होने तक। ग्रेवी देखिए तैयार हो चुका है मेरा चिकन, माशाल्लाह कितना शानदार लग रहा है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब